भारतीय जनता पार्टी के 40वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कोरोना वायरस महामारी के संकट को लेकर कहा कि आज पूरी मानव जाति पर संकट है। चुनौतियों से भरा यह वातावरण देश की सेवा के लिए हमारे संस्कार, समर्पण और प्रतिबद्धता को लेकर अधिक सशक्त होने का मार्ग तय करता है। ये लंबी लड़ाई है, न थकना है न हारना है। वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भारत के अब तक के प्रयासों ने दुनिया के सामने एक अलग ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत दुनिया के उन देशों में है जिसने कोरोना वायरस की गंभीरता को समझा, इसके खिलाफ एक व्यापक जंग शुरू की शुरुआत की। भारत ने एक के बाद एक अनेक निर्णय किए, उन फैसलों को जमीन पर उतारने के लिए भरसक प्रयास किया, सभी सरकारों को साथ लेकर के आगे बढ़ने में कोई कमी न रहे इसकी चिंता की। और जैसा आप जानते हैं, एक ऐसी बीमारी थी जिसका रूप रंग कुछ पता नहीं था, ये कैसे आती है, कहां जाती है, किसके पास पहुंचती है, कुछ पता नहीं था। तब जो भी आवश्यक निर्णय करने की जरूरत पड़ी, एक्सपर्ट की मदद से करते रहे। एयरपोर्ट के पर विदेशों से लोगों के आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग हो, विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने की बात हो, दुनिया के कई देशों से भारत में आने वाले हवाई यातायात को बंद करने का बड़ा कठिन निर्णय हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस महामारी से निपटने के लिए तैयार करने के लिए प्रयास हो, हर स्तर पर भारत एक के बाद एक प्रोएक्टिव होकर के फैसले करता गया। राज्य सरकारों के सहयोग से इन फैसलों को गति भी मिली। भारत ने जितनी तेजी से काम किया है, जितनी समग्रता से काम किया है, होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया है, आज उसकी प्रशंसा सिर्फ भारत में ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी की है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने लोगों से क्या अपील की है। उन्हें कहा, हम ये सुनिश्चित करना है कि हमारे आसपास कोई भी गरीब भूखा ना सो पाए। 5 लोगों को मास्क बनाकर उपहार में दें, जब भी मदद के लिए जाएं तो मास्क पहन कर जाएं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे लोगों का आभार भी व्यक्त करें। कम से कम 40 लोगों को आरोग्य सेतु ऐप से अवगत कराएं। बीजेपी कार्यकर्ता पीएम केयर्स में सहयोग करें और अन्य 40 लोगों को भी सहयोग के लिए प्रेरित करें।